वेलकम टू माय चैनल इंडिया सर्च करें। आज मैं आपको वर्किंग वूमन का डेली रूटीन दिखा रही हूँ कि इंडिया में किस प्रकार से वर्किंग वूमन फटाफट से अपने डेली के कार्य करते हैं। मैंने सुबह उठ कर के देखिए झाड़ू लगा ली है। आज मेरी मेड नहीं आई है तो मैंने अपनी झाड़ू खुद लगाई है। हम एक छोटे से गांव में रहते हैं जो बहुत ही हरा भरा गांव है। हमारा घर जो है बहुत ही अच्छे हरे भरे इलाके में है जहां पर हमारा अच्छा मन लग जाता है। देखिए आप कितना हरियाली है, पीछे एक पीपल का पेड़ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी छत पे जा कर के कि किस तरह से हमारी छत पे हर श्रृंगार के पेड़ लगे हुए हैं। नीचे से ऊपर तक बेल आई हुई है हर श्रृंगार की। आप देखिए मैंने फटाफट से वॉशिंग मशीन में कपड़े वॉश कर दिए थे क्योंकि आज मेड नहीं आई थी तो मैंने सोचा कि कंप्यूटर वर्क करेंगे तो जल्दी से काम कर देती हूँ। देखिए अब मैं अपने रूम की सफाई कर रही हूँ। मैंने सेंटर टेबल को क्लीन किया है। सेंटर टेबल को क्लीन करने के बाद मैं थोड़ा सोफ़ा झाड़ लूँगी। काफ़ी टाइम से धूल मिट्टी लगी हुई थी, मैं कर नहीं पाई थी क्योंकि काम ज़्यादा था, भाग दौड़ में मुझे टाइम नहीं मिला। ये हो गई है हमारी टेबल क्लीन हो गई है। बच्चों ने आर्ट करके रखी थी, अपनी सामान रखा हुआ है टेबल पे, आर्ट किया हुआ उनका। ये मैं सोफ़े साफ़ कर रही हूँ, इनमें बहुत ज़्यादा धूल जमा हो जाती है। मैंने क्लीन कर दिया है रूम को, मैंने क्लीन कर दिया है। इधर उधर बच्चों का सामान बिखरा हुआ था, उसे उठाकर रख दिया है। अभी बस मेरा काम करने का समय शुरू हो जाएगा। 10 बजे मुझे अपना ऑफिस खोल लेना है, जिसमें मेरा ऑफिस घर पे ही है जिसमें मैं काम करती हूँ। उसका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो दिखाऊंगी। अभी मेरा किचन बहुत गंदा पड़ा हुआ है, उसे भी साफ़ करना है। ये देखिए गार्डन में सुबह बच्चों ने पानी दे दिया था, गार्डनिंग कर दी थी, थोड़ी सफाई भी की थी, लेकिन अभी भी बहुत सामान इधर उधर बिखरा हुआ है। ये देखिए कितना हरा भरा गार्डन है हमारे गांव का। ये हमारे बरांडा है बैठने का, जिसमें हम इवनिंग में कभी कभी जब भी टाइम मिलता है तो बैठ करके इवनिंग का गार्डन व्यू देखते हैं। ये हमारा बैकयार्ड गार्डन है जो बिल्कुल ही गांव के तरीके का है। मुझे गांव के तरीके से रहना बहुत पसंद है, इसलिए मुझे इस तरह के घर अच्छे लगते हैं। सिटी लाइफ मुझे अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं अपने गांव को बहुत पसंद करती हूँ। बैकयार्ड गार्डन में मैं आपको लेकर के चलती हूँ। देखिए मैं वहाँ से झाड़ू लेकर के आई हूँ। आप देखते चाहिए कि मैं वहाँ से पानी भी लाई हूँ, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा जो पौधे सूखे रह गए थे उसमें पानी डाल रही हूँ। और ये मैंने पानी डाल दिया है। सूखा हुआ था पौधा सूख गया है पानी के अभाव में, पानी नहीं दे पाए थे, सर्वेंट गया हुआ था चूँकि काम पे। मैंने अजवाइन के पत्ते तोड़ लिए हैं गार्डन से। मैं अजवाइन वाला पोहा पसंद करती हूँ, अभी वो प्रिपेयर करेंगे। पहले किचन साफ़ करके फिर मैं अजवाइन वाला पोहा बनाऊँगी। अगर हो सकेगा तो मैं आपको उसका वीडियो भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने बनाया है, लेकिन अगर मुझे टाइम मिलेगा, काम से फुर्सत मिलेगी, तो ही मैं आपको ये वीडियो दिखा पाऊंगी पोहे वाला। अदरवाइज़ मैं आपको नेक्स्ट उसमें आपको दिखाऊंगी कि कैसे अजवाइन के पत्तों से
पोहे और पकोड़े बनाए जाते हैं। मैंने सुबह कॉफ़ी का, किशमिश वाली कॉफ़ी का वीडियो बनाया था, लेकिन मैं किसी वजह से अपलोड नहीं करवाई। वो भी मैं आपको नेक्स्ट जब वीडियो बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे अलग तरह से कॉफ़ी बनाती हूँ, जिसमें जिसे हम तंदूरी कॉफ़ी का हमारे कॉफ़ी में टेस्ट आ जाता है। वो वीडियो भी मेरा मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मुझे अवेलेबल नहीं है मेरे पास, वो दूसरे फ़ोन में है जो काम पे गए हैं, लेके गए हैं दीदी, तो उनके पास फ़ोन में वो है सेव्ड। तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम वो जब वीडियो होगा तो वो दिखाऊंगी। आप देखिए, अभी मैं छत पे जा रही हूँ, मैंने सोचा कि थोड़ा इसको भी क्लीन कर देती हूँ। तो मैं ये अपनी सीढ़ियाँ जो हैं काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हो पाई थी, इनको साफ़ कर रही हूँ। देखिए, मैंने सीढ़ियों में जेड का पौधा लगाया हुआ है। अब हमारी छत पे आ जाते हैं हम। छत पे लंगूर आए हुए हैं, पीछे लंगूर बंदर आए हुए हैं बैकयार्ड गार्डन में, इसलिए मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तो मैं छत पे थोड़ी सी झाड़ू निकाल के जल्दी से चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे लंगूर बंदर से बहुत डर लगता है। तो देखिए कि मैं जल्दी से थोड़ा झाड़ू निकाल देती हूँ। हर श्रृंगार के फूल फैले हुए हैं ज़मीन पर, बहुत सारे श्रृंगार के फूल फैले हुए हैं, आप देख लीजिए। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे ये हमारे हर श्रृंगार का पेड़ ज़मीन से लग कर के ऊपर की तरफ छत पे इसकी बेल आई हुई है। ये देखिए, हमारे पीछे बहुत ही हरा भरा मैदान है, पीछे पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा मंदिर, करणी माता का मंदिर आपको दिखाई दे रहा होगा। एक पहाड़ी पे सज्जनगढ़ का किला है, जो पीछे ये देखिए मार्केट व्यू है, ये मेरे नीचे के गार्डन का व्यू है, व्यू दिखाई दे रहा है आपको हमारे गार्डन का, आप देखते जाइए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हमारे सामने से गाड़ियां जाती हैं। हमारे सामने रोड है, बड़ा रोड है, चौराहा है, उस पे से हमेशा गाड़ियां जाती रहती हैं। देखिए गार्डन व्यू, अभी मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने गेट बंद करने के लिए जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी मैं अकेली हूँ, बच्चे स्कूल गए हुए हैं, सब लोग बाहर काम पे गए हुए हैं, इसलिए मैंने अपना गेट जो है बंद कर लिया है। आप बाहर देखिए, रोड पे थोड़ी चहल पहल होना शुरू हो गई है, अभी सुबह है इसलिए मार्केट खुली नहीं है, तो थोड़ी देर में यहाँ अच्छी रौनक हो जाएगी, तो यहाँ पे अकेले व्यक्ति का भी अच्छे से मन लग जाता है। ये देखिए, फ्लावर्स की बेल लगी हुई है।